अगर आप अपने मन की सुनकर कदम उठाते हैं ना दोस्तों, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिसने खुद को खर्च किया है ना दोस्तों, दुनिया ने उसको गूगल पर सर्च किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम तुला राशि के लिए, हाँ जी, बहुत खास है, बहुत विशेष है। तुला राशि का अक्टूबर 2023 का मासिक राशिफल, मंथली प्रिडिक्शन अक्टूबर 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, कैसा रहेगा सब कुछ जानेंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी पढ़ाई कैसी रहेगी, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ, भाग्य, करियर और बिजनेस कैसा रहेगा अक्टूबर 2023 में, और क्या उपाय करने चाहिए आपको अगर कुछ नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, अंत में बताऊंगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत दोस्तों। ये ज्योतिष का कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, और अपनी कुंडली पर परामर्श करवाना चाहते हैं तो सिर्फ चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है। कोई भी अगर आपके कमेंट्स में रिप्लाई करता है ना, तो पहले चेक कर लेना, वो स्कैम होते हैं। चलिए अब आपको ध्यान से सुनना होगा। जब अक्टूबर 2023 शुरू होगा तो तुला राशि से नवग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं दोस्तों। आपके फर्स्ट हाउस में कौन विराजमान है, केतु विराजमान है, और आपके सेवंथ हाउस में विराजमान है राहु के साथ में गुरु। वहीं दोस्तों आपके बारहवें घर में विराजमान है सूर्य, मंगल, बुध, तो आपके ग्यारहवें घर में विराजमान है शुक्र ग्रह विनस। वहीं आपके पंचम भाव में विराजमान है स्वयं शनिदेव। अब ध्यान से, जल्दबाजी में नहीं, सबसे पहला आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। राशि के मालिक कौन बनते हैं पता होना चाहिए आपको, शुक्र बनते हैं वीनस, और वो कहां पर है, इलेवंथ हाउस में प्लेस्ड हैं, बैठे हैं, और कोई परिवर्तन नहीं है शुक्र का इस महीने, हां जी कोई परिवर्तन नहीं है। शुक्र इलेवंथ हाउस में बैठे हैं, इलेवंथ हाउस होता है प्रॉफिट्स का, लाभ का, इनकम का होता है, और डिजायर्स का होता है, हमारे ड्रीम्स का। दोस्तों शुक्र की पोजिशन अच्छी है तो यहां पर हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं है। हाँ, बुध बारहवें घर में है, जो कि मैं देख रहा हूं कि नाइन्थ लॉर्ड है, तो बुध बारहवें घर में है तो स्किन से रिलेटेड, यानी कि त्वचा, हमारे हाथ, हमारे स्किन कहीं भी, तो आपको स्किन से रिलेटेड ध्यान रखना होगा सिर्फ थोड़ा बहुत, ठीक है ना। और बुध बारहवें घर में बैठे हैं जो कि नाइन्थ लॉर्ड है, तो आपको पैरों में थकान होना ये थोड़ा बहुत फील हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहा सबको लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है। बाकी यहाँ पे हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपकी पढ़ाई, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर 2023, पंचम भाव पढ़ाई का, पंचम भाव के मालिक बनते हैं शनिदेव, अपने घर में विराजमान है, और वीनस की दृष्टि यानी कि शुक्र की दृष्टि भी है पंचम भाव में। आपकी दृष्टि, राशि के स्वामी की दृष्टि पंचम भाव में है, तो यानी कि आप स्वयं चाहेंगे पढ़ाई करूं, आप स्वयं चाहेंगे कि मैं सीरियस हो जाऊं, आप स्वयं चाहेंगे कि मैं एक गोल जो है वो लक्ष्य बनाकर चलूं अपना पढ़ाई में, और आप चलेंगे इस महीने, अच्छा रहेगा। अगर एग्जाम है तो अच्छा है, अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो अच्छा है, क्योंकि शुक्र की पोजीशन अच्छी है और स्वयं शनिदेव की पोजीशन भी अच्छी है पंचम भाव में। वृद्धि करते हैं शनिदेव जहां बैठते हैं, कोई चिंता नहीं है, पढ़ाई में अच्छा रहेगा। वहीं आपका लव रिलेशन, प्रेम प्यार कैसा रहेगा, शुक्र और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं, पंचम भाव ही होता है प्रेम प्यार का, शुक्र की दृष्टि शनि पे, शनि की दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है बुध बारहवें घर में। बस आपका कम्युनिकेट थोड़ा सा उसको सुधारना होगा, अपने कम्युनिकेट को, कम्युनिकेशन को अच्छा रहेगा। आपकी फीलिंग्स है उन पर और उनकी फीलिंग्स है आप पर, वो कैसे, क्योंकि शुक्र की दृष्टि शनि पे है और शनि की दृष्टि शुक्र पे है, दोनों समसप्तक होकर बैठे हुए हैं, तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि दोनों की जो फीलिंग्स है इस महीने वो अच्छी रहेगी, मिलने का योग बहुत अच्छा रहेगा, एक पॉजिटिव वाइब्स जो है वो कनेक्ट होंगी एक दूसरे से, और लव रिलेशन अच्छा है क्योंकि यहां पर दोनों की पोजीशन अच्छी है, शनि की पोजीशन भी अच्छी है और शुक्र की पोजीशन भी अच्छी है। वहीं आपकी मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, सेवंथ हाउस सप्तम भाव होता है दोस्तों मैरिड लाइफ का, सप्तम भाव के मालिक कौन बनते हैं आपके, मंगल, मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे 3 अक्टूबर तक, सिर्फ अपनी मैरिड लाइफ पे ध्यान रखना है 3 अक्टूबर तक, क्योंकि 3 अक्टूबर को मंगल फर्स्ट हाउस में आएंगे तो सेवंथ हाउस को देखेंगे। जो भी मैरिड लाइफ में परेशानी चल रही थी या जो भी आपके वैवाहिक जीवन में समस्या थी, दिक्कत था, चिंता थी, आर्ग्यूमेंट्स थे, कोई भी तनाव था, तो 3 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे चलकर वो तनाव और वो परेशानी समाप्त
होने लग जाएगी, क्योंकि जो मंगल की दृष्टि है ना वो सेवंथ हाउस पे पड़ेगी। लेकिन हाँ, तीन अक्टूबर से पहले अपने लाइफ पार्टनर के हेल्थ पे और मैरिड लाइफ पे थोड़ा ध्यान देना होगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय भाग्य, करियर और बिजनेस कैसा रहेगा। दोस्तों भाग्य के मालिक बनते हैं बुध ग्रह और करियर के चंद्रमा। बुध ग्रह 12वें घर में है। आपसे बिल्कुल एग्जैक्ट कहूंगा, ध्यान से सुनना, 19 अक्टूबर से पहले आपका भाग्य अड़चन कर सकता है, आपका जो भाग्य है वो परेशान कर सकता है, क्योंकि बुध जो है वो 12वें घर में बैठे हैं, 12वां घर कुंडली का खराब माना जाता है। तो भाग्य में अड़चन, भाग्य में परेशानी, कोई भी बड़ा कार्य, कोई भी शुभ कार्य 19 अक्टूबर से पहले नहीं। बुध आएंगे फर्स्ट हाउस में 19 तारीख को परिवर्तन करके। जब फर्स्ट हाउस में आएंगे बुध ग्रह तो 19 अक्टूबर के बाद आपका जो भाग्य है वो अच्छा है, कुछ भी करना चाहते हैं भाग्य में तो वो अच्छा है, अगर आप कोई शुभ कार्य करवाना चाहते हैं तो अच्छा है, कोई बड़ी वस्तु खरीदना चाहते हैं तो अच्छा है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अच्छा है, कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो अच्छा है। 19 अक्टूबर के बाद भाग्य आपका साथ देगा। जब भाग्य साथ देगा तो जिनके पास नौकरी नहीं है उनको इंटरव्यू के लिए कॉल्स आना, इंटरव्यू होना और नौकरी लगने की संभावना भी बन जाएंगी 19 अक्टूबर के बाद, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका करियर कैसा रहेगा ये भी जान लेते हैं। 10th हाउस रिप्रेजेंट फॉर करियर, कार्य क्षेत्र, चंद्रमा है 10th लॉर्ड। तुला राशि को मैं एक बात कहना चाहता हूं और आपको कमेंट करना होगा, ठीक है, बिल्कुल करना होगा। चंद्रमा 10th लॉर्ड है, तुला राशि वाले व्यक्ति अपने करियर में बहुत मूड स्विंग करते हैं, क्योंकि चंद्रमा हर सवा दो दिन में परिवर्तन करते हैं, बताता हूं कैसे। 30 दिन में से एक महीने में से 2-3 दिन ऐसे होते हैं जब आप बहुत खुश होते हैं, अपने करियर को लेकर बहुत बड़े ही अच्छे मूड में होते हैं, बड़े फ्रेश मूड में होते हैं। फिर 4-5 दिन ऐसे होते हैं जब आप बड़े टेंशन में होते हैं, अपने करियर को लेकर चिंतित होते हैं। फिर 4-5 दिन आप सोचते हैं कि मैं कुछ परिवर्तन लेकर आऊं। फिर 4-5 दिन आप बड़े ही कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपका जो मन है, जो मूड है, वो बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है तुला राशि का करियर को लेकर। कभी बहुत हैप्पीनेस, कभी अनहैप्पीनेस, और ऐसे ही रहेगा ये महीना। लेकिन हाँ, हालांकि मैं देख रहा हूं यहां पर कि 19 अक्टूबर से पहले थोड़ा ज्यादा, 19 अक्टूबर के बाद ज्यादा अच्छा रहेगा। आप एक होता ना कॉन्फिडेंस, एक अच्छी एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जी, आपका जो पराक्रम है, आपका जो स्टैमिना है, वो अच्छा देखा जाएगा 19 अक्टूबर के बाद आपके कार्य क्षेत्र में। कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, टेक्निकल आईटी इंजीनियरिंग का आपका कोई काम है, टूर एंड ट्रेवल का काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ऑयल एंड गैस का काम है, शनिदेव अच्छे हैं तो इसमें फायदा देंगे आपको, और कम्युनिकेशन का काम है, एचआर का काम है, तो हाँ 19 अक्टूबर के बाद आपको फायदा मिलने वाला रहेगा। अगर बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं आप, तो सेवंथ लॉर्ड बनते हैं मंगल। मंगल फर्स्ट हाउस में आएंगे, बुध भी फर्स्ट हाउस में आएंगे। मिड अक्टूबर के बाद आपका व्यापार अच्छा है, कोई काम मिल सकता है, आप कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई काम को बढ़ा सकते हैं, कहीं पर ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, कुछ अच्छा ट्रैवल हो सकता है आपका, और व्यापार में कुछ उन्नति तरक्की हो सकती है मिड अक्टूबर के बाद, निश्चित ऐसा दिख रहा है। ये बताया दोस्तों ने सब कुछ, क्या उपाय करने चाहिए आपको। रोजाना बुध ग्रह का बीज मंत्र करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः 108 बार। रोजाना शुक्र का बीज मंत्र करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः, और हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर फॉलो करें। कैसे लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।